हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम वोकेबुलरी के वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनको हम हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स और एग्जांपल सेंटेंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जो ये प्रयास है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए, आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज जो है वो सेंटेंस में एज ए वर्ब भी यूज़ होता है, और इसका हिंदी में अगर मीनिंग देखें तो वो होगा संक्षिप्त व्याख्या या विवरण। इंग्लिश में हम कहेंगे एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटर्न और स्पोकन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। ओके, तो सिनोनिम्स देखिए, रिवर्ड, रिफ्रेज। एंटोनिम्स, ट्रांसक्रिप्ट और इको। एग्जाम्पल सेंटेंस, दिस इज़ एविडेंटली ए पैराफ्रेज ऑफ पॉपुलर स्टोरी ऑफ फेरी टेल। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो है इम्पीचमेंट। इसको हम एज ए नाउन यूज़ करते हैं। जब सेंटेंस में इम्पीचमेंट को यूज़ करेंगे तो ये एज ए नाउन यूज होगा। इसका हिंदी में मीनिंग होगा दोषारोपण, और इंग्लिश में इसको कहेंगे ए चार्ज ऑफ ट्रीजन। सिनोनिम्स होंगे रेप्रीमांड, चार्ज, रेप्रोबेट। एंटोनिम्स होंगे अब्सोल्व, कमेंड, एग्जोनरेट। एग्जाम्पल सेंटेंस, द किंग सिनिकली अबैंडन्ड हिम इनक्रेजिंग हिज इम्पीचमेंट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एम्बिटर। इसको हम सेंटेंस में एज ए वर्ब यूज़ करते हैं, और हिंदी में इसका मीनिंग होगा कड़वा बोलना। यानी इंग्लिश में कहेंगे मेक समवन फील एंगर, यानी इतना कड़वा बोलना कि अगला आप पे गुस्सा हो जाए। सिनोनिम्स, फ्रस्ट्रेट, वैक्स, एंटागोनाइज। एंटोनिम्स, लेसन, लाइटन, कम करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही डाइड एन एम्बेटर्ड मैन, एज एन एम्बेटर्ड मैन। ओके, तो इसके साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।